अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बदलते मौसम के साथ दरपेश मसले के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा मसला लंडे के कंबल या कपड़ों में से आने वाली एक खास किस्म की बदबू को खत्म करना है, जो बहुत बार धोने के बावजूद भी नहीं जाती, इवन के वो जाती ही नहीं। और उसके साथ साथ सीजन के बदलते ही पिछले सीजन के संभाले हुए कपड़े अलमारियों या पेटियों वगैरह से भी निकालने पर उनमें से जो स्मेल आती है उसे दूर करना भी बहुत बड़ा मसला है। भले वो स्मेल एक धुलाई से चली जाती है, लेकिन पिछले सीजन के संभाले हुए कपड़े, कंबल और रजाइयों को एकदम धोना बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसलिए आज हम इस मामूली मगर बहुत जरूरी मसले का हल कपड़ों को बगैर धोए निकालने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें किसी भी बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लेना है और दो लीमू लेकर उन्हें किसी अलग बर्तन में उनका जूस निकाल लेना है, उसका रस निकाल लेना है और स्ट्रेनर की मदद से इस पानी के अंदर इस लीमू के रस को डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये कंफर्ट लिक्विड से कहते हैं, मार्केट से आपको बहुत इजीली अवेल हो जाएंगे। नॉर्मली कपड़े धोने के बाद किसी बर्तन में इसे मिक्स करके तो कपड़े उस पानी में डिप करके और निकाल के निचोड़ के तो ड्राई कर लिया जाता है, तो इससे अच्छी स्मेल आती है। लेकिन हमारे केस में हम इसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से करने वाले हैं। अपनी मर्जी की स्मेल यूज कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। हम ये ब्लू वाला यूज करने वाले हैं, तो इसमें से हम ये इसी का ही बाउल लेकर इस बाउल का चौथा हिस्सा, मतलब हाफ से हाफ, वो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब आपको लगे कि ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है, तो फिर हम इसे इस तरह का पानी वाला शावर लेकर, जिसे हम नॉर्मली कपड़े इस्त्री करते वक्त यूज करते हैं, ये हमने इसे हाफ पानी ले लिया है। अब हम इसे इसके अंदर मिक्स कर देंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो हम मिक्स करें वो स्टेन हुआ हो। इससे ये होगा कि शावर की नोजल बंद नहीं होगी। इसमें डाल के भी हम इसे एक दफा हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह कि ये पानी के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरी में हम उन कपड़ों पे अप्लाई करने वाले हैं जो हमारे पिछले सीजन के कपड़े अलमारियों में से निकले हैं, और दूसरी कैटेगरी में हम उन कपड़ों पे अप्लाई करेंगे जो हमने लंडे से खरीदे हैं। उसमें कंबल भी हो सकते हैं, उसमें कपड़े भी हो सकते हैं। फ्यूमिगेशन के दौरान लंडे की वो स्मेल जो कपड़ों में जजब होती है और वो बार हाथ धोने के बावजूद उसमें से नहीं जा पाती, तो उसके लिए हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा यूज करेंगे। अभी फिलहाल हम अपने उन कपड़ों पे इसे अप्लाई करते हैं जो हमारे पिछले सीजन के अलमारियों से हमने निकाले हैं, और उसमें अलमारियों की खुद की स्मेल, मॉइस्चर, नमी की स्मेल है और सेन की स्मेल है, और कुछ लोग कपड़े संभालते वक्त फिनाइल की गोलियां भी रख देते हैं तो उनकी भी स्मेल उन कपड़ों में से आ रही होती है। तो उन कपड़ों की स्मेल को दूर करने के लिए हम अपने उन कपड़ों को हैंगर में डालकर इस तरह तार पे हैंग कर लेंगे और उसके बाद उस पर इस तरह अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आप जो पिछले सीजन के कंबल निकालते हैं उन्हें धूप लगवाना बहुत जरूरी है। धूप लगवाने से काफी हद तक स्मेल भी चली जाती है और काफी हद तक जरासीम भी खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हमने जो स्प्रे बनाया था, हम इसके ऊपर वो स्प्रे करेंगे, और स्प्रे इस तरह करेंगे कि स्प्रे फैल के हो, मतलब ब्लैंकेट्स के ऊपर फैला के स्प्रे करेंगे ताकि एक जैसा हो जाए, और इसकी हर तह में कर देंगे। इसको अच्छे से फैला के इसकी हर तह में थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर देंगे। अब हम इन ब्लैंकेट्स को धूप लगवा देंगे ताकि जो हमने स्प्रे इसके ऊपर किया है उसकी नमी इसमें से खत्म हो जाए। अब हम पिछले सीजन के निकाले हुए कपड़ों की तरफ आते हैं। उसके बाद मैं आपको लंडे के कपड़ों की स्मेल खत्म करने का भी तरीका बताता हूँ। कपड़ों पे स्प्रे करने के लिए हमें सबसे पहले कपड़ों को उल्टा कर लेना है और एक हैंगर में हैंग कर लेना है, मतलब ये इधर से सीधा है तो हमें इधर से इसे उल्टा करके तो इसके ऊपर फिर ये स्प्रेड करना है। इसका आगे से जो स्प्रे निकल रहा है उस इसके ऊपर स्प्रेड होना चाहिए। अगर आप इसे किसी तार पे हैंग करके इस तरह दोनों साइडों से करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, और फिर हमें इसे धूप लगवानी है। इस वाले हुड को भी मैंने उल्टा कर लिया है और इसके ऊपर हम ये वाला स्प्रे कर देंगे। ये हम बिना धोए इनकी स्मेल को दूर कर देंगे। इसी तरह भी इन्हें हम तार पे हैंग कर देंगे और धूप लगने देंगे। अब मैं आपको लंडे के कपड़ों की स्मेल दूर करने का तरीका बताता हूँ। अगर यही कंबल और कपड़े हमने लंडे से लिए होंगे तो इस महलूल से उनकी ज्यादा वाली स्मेल दूर नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें इतने से महलूल में
एक ढक्कन विनीगर का ऐड करना होगा। अभी मैंने अंदाजे से इसमें विनीगर ऐड कर दिया है और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे लंडे के कपड़ों और कंबलों के ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हैं और उसी तरह इसे ड्राई होने देना है। धोना भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धूप में सुखाना है बस। उसके बाद लंडे के कपड़ों से या पिछले सीजन के कपड़ों में से बिल्कुल भी किसी किस्म की स्मेल बाकी नहीं रहेगी। ये स्प्रे करने के बाद बदबू की बजाय खुशबू आना शुरू हो जाएगी। बिना धोए आपके कपड़े फ्रेशनेस का एहसास देंगे। धूप में एक घंटे पड़े रहने के बाद आपको विनीगर की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। विनीगर इसकी बैड स्मेल को दूर करेगा। कम्फर्ट और लीमू वाला लिक्विड इसमें फ्रेशनेस पैदा करेगा। आपने सिर्फ एहतियात करनी है कि इसे बिल्कुल करीब से स्प्रे नहीं करना, थोड़ा दूर से स्प्रे करना है ताकि हमारा लिक्विड इसके ऊपर एक जैसा स्प्रे हो जाए। इसके अलावा भी आपने किसी किस्म के कपड़े में से बिना धोए स्मेल दूर करनी हो तो आप इस महलूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये महलूल बना के रख सकते हैं और आयरन करने से पहले आप ये वाला स्प्रे करके तो फिर आयरन कर सकते हैं। आपके कपड़े बिल्कुल फ्रेशनेस का एहसास दिया करेंगे। और फ्रेंड, जब भी सीजन के एंड पर आप कपड़े संभालने लगे तो अलमारियों, टर्नक या पेटियों में नीम के पत्ते साथ रख लिया कीजिए। उससे भी कपड़ों और कंबलों वगैरह में सेम और सीलन वगैरह की स्मेल पैदा नहीं होगी और जब आप किसी भी सीजन के स्टार्ट में उन्हें निकालेंगे तो आपको फ्रेश मिलेंगे। नीम के पत्ते नीचे बिछा के उसके ऊपर कोई कपड़ा बिछा लिया कीजिए ताकि कपड़ों को उनके दाग ना लगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।